नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं केमास न्यूज़ और आज हम महम्मदपुर में पहुंचे हुए हैं जहां पे लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पूरा असर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है रोड पूरी तरह से सन्नाटा, जो है रोड पूरा पथरा हुआ है, सारी दुकानें जो है लॉकडाउन कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि एक भी व्यक्ति या कोई भी गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं आ जा रही हैं और ये जो भी इस रोड पर इक्का दुक्का जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं वह केवल जो सफाई कर्मी है या मीडिया कर्मी है या पुलिस प्रशासन है, इनकी जो गाड़ियां हैं वही दिखाई दे रही हैं। अब देख सकते हैं पूरा रोड पर पे रोड यहां पे जो है चारों तरफ पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। करीब आज लॉकडाउन का समय चौथा दिन है और पूर्ण रूप से सारी दुकानें यहां पे लॉकअप कर दी गई हैं, देख सकते हैं। और अपना जिससे अपना काम कर रही है और लॉकडाउन का ये एक दो लोग और आ जाइए आप लोग। प्रशासन भी अपना यही कार्य पूर्ण रूप से कर रही है। ये अशोक प्रसाद जी बताइए कि लॉकडाउन जब से यहाँ पे हुआ है अब कब से यहाँ पे तैनात? लगभग 7-8 दिन से मैं तैनात हूँ, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी दुकानें सारी दुकान करा दिया गया है, आना जाना बंद कर दिया गया है। सर, में कुछ कोई अनावश्यक लोग है जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको? अनावश्यक कोई नहीं दिख रहा है, सभी लोग जो भी आ रहे हैं दवा के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं या सब्जी लेने जा रहे हैं, फ्रूट लेने जा रहे हैं, बस ऐसे ही लोग आ रहे हैं, बाकी अदरवाइज और कोई नहीं आ रहा है और किसी को आने भी नहीं। इनका कहना है कि जो कि अनावश्यक कार्य के लिए कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, सभी लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री जो आह्वान किए हैं सभी लोग प्रदूषण का समर्थन कर रहे हैं और बहुत ही जिसको बहुत ज़रूरी है जो कि दूध हो गया और सब्जी हो गई और जो उनके खाने जो खाद्यान्न जो सामान है केवल उन्हीं के लिए जो लोग बाहर निकल रहे हैं, बाकी सभी लोग लॉकडाउन का भरपूर जो कि समर्थन कर रहे हैं। ये अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो रूट है यह जो कि आजमगढ़ से जौनपुर साइड और बनारस से जो कि आजमगढ़ साइड ये जो दोनों रोड एक जगह मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों रोड से जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं बिल्कुल रोड है बंद है और जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो केवल प्रशासन के चलाए द्वारा जो गाड़ियाँ हैं जो उनको जो कार्य सौंपा गया है केवल वही गाड़ियाँ आ जा रही हैं, हर एक गाड़ी में भारत सरकार नजर आ रहा है, केवल केवल प्रशासन द्वारा ही जो चलाए गए अभियान है जो गाड़ियाँ हैं केवल वही दिखाई दे रहा है। तो आइए हम आपको नज़ारा दिखाते हैं बिंद्रा बाजार का, जो कि वाराणसी रोड पे स्थित बिंद्रा बाजार है। ये वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ भी चारों तरफ पूरा स्थित पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, हालांकि लॉकडाउन का तीसरा चौथा दिन है और पूर्ण रूप से चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, सारी दुकानें जो लॉक कर दी गई हैं। माननीय नरेंद्र मोदी का जो आह्वान पूर्ण रूप से सारी जनता जो है जमकर पूरा समर्थन कर रही है, प्रशासन पूर्ण रूप से तैनात नजर आ रही है। और देखिए इतनी कड़ी धूप में भी वो लोग अपना भरपूर जो है कि वादा निभा रहे हैं, अपना कार्य निभा रहे हैं किसी तरह। आइए जानकारी लेते हैं कि आज लॉकडाउन का चौथा दिन है और जनता पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है और कैसे कर रही है। क्या नाम आपका? कब से आपकी ड्यूटी लगी यहाँ पे? हम लोग की ड्यूटी 5 रोज से यहाँ चल रही है। पाँच रोज ड्यूटी चली आपकी यहाँ? ये बताइए कि कोई व्यक्ति जो है अनावश्यक कार से बाहर निकल रहा है? नहीं, अनावश्यक कोई नहीं बाहर निकल रहा है, जहाँ निकल रहा है दवा के लिए निकल रहा है, सब्जियों के लिए निकल रहा है या घरेलू कुछ जो सामग्री होती है उसके लिए निकल रहे हैं जी। आज की बात करें तो आज कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला जो अनावश्यक कार से घूम रहा हो या बाहर निकला हो किसी? नहीं, इस तरह कोई व्यक्ति नहीं घूम रहा, हम लोग घूमने भी नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, कोई संदिग्ध व्यक्ति भी नहीं उस तरह घूम रहा है, सारे लोगों घर में रहने के लिए बार बार कहा जा रहा है। जी, यानी कि पूर्ण रूप से यहाँ पुलिस प्रशासन जो है कि लगी हुई है, अपना काम पूर्ण रूप से कर रही है। आइए यहाँ पे और जानकारी लेते हैं। प्रदीप कुमार मिश्रा अभी बताइए कि आप कब से यहाँ पे तैनात हैं? हम सुबह 6 बजे से हैं। सुबह 6 बजे से? आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो कि बिना कोई कारणवश घूमता नजर आया हो? नहीं, जो भी लोग मिले जो है दवाई हेतु जो है उनको हिदायत दी गई और उनका नाम नंबर मोबाइल नंबर सारा डॉक्यूमेंट चेक करके भेजा गया जो है, हम लोग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक भी हमारे यहाँ देश में छूट जाएगा कोरोना से, जैसे कि पूरी मार्केट में आप लोग एक ही जगह रह करके देख रहे कर रहे हैं, पूरी मार्केट में आप कर रहे हैं, पूरी मार्केट में घूम टहल करके जहाँ जैसा देखने को मिला डाउट है वहाँ लोग मौके पहुँच करके अपना मुआयना कर लेते हैं जी। कहना है
रनिंग करके जो है कि भरपूर जो कि अपने से हर एक कार्य कर रहे हैं, जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री जो आह्वान किया है भरपूर उसका, जो कि जनता भी पूरा समर्थन कर रही है, और हम लोग अनावश्यक जो लोग घूम रहे हैं उनको कहीं हम घूमने नहीं दे रहे हैं। नज़ारा दिखाते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे भी लोग अपनी बाइक लेकर आते हैं पेट्रोल डलाने के लिए, और यहाँ पे सैनिटाइज का काम किया जा रहा है और लोगों को बढ़िया से जो कि हाथ धुलाया जा रहा है। और यहाँ पे ये चतुर्भुज देख लीजिए कि यहाँ पे बना हुआ पेट्रोल पंप पे जो भी गाड़ी लेकर आ रहा है इसमें खा करके उनको पेट्रोल दिया जा रहा है। और ये जो पेट्रोल देते हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं कि वो एक दिन में कितने गाड़ियों में पेट्रोल डाल देते हैं, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। जी बताएँ आप, क्या नाम आपका? राजन पांडे मेरा नाम है जी। मतलब एक दिन में कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आ जाती हैं? इसमें तो बंदी की चल के मान के चलिए कि 100 से 150 गाड़ियाँ दिन भर में मतलब 12 बजे तक आती हैं जी। उसके बाद हम लोग पेट्रोल भरते हैं, सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं जी। उसके बाद गोला में गाड़ी खड़ा करवा के जी तेल देते हैं। यहाँ पे जो कि सुरक्षा का भरपूर जो कि इंतजाम किया गया है, जो भी लोग अपने बाइक को यहाँ पेट्रोल डलाने के लिए आते हैं भरपूर जो कि उनके सैनिटाइज उनका हाथ धुलवाया जाता है, और यहाँ पे चतुर्भुज में उनकी गाड़ी खड़ा करके उनका भरपूर जो कि ख्याल किया जाता है।